हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बस उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग क्लास 11 के सेकंड चैप्टर में, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं परमाणु के नाभिक की खोज की। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया। टॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दे दिया कि ज़्यादातर भाग धनावेशित है और ऋणावेशित भाग उसमें ठीक उसी तरीके से घुसे हुए हैं जैसे तरबूज में उसके बीज घुसे हुए हैं। दोस्तों, इन सब बातों को लेके हमारे वैज्ञानिक रदरफोर्ड साहब ने 1991 में, इनके दो शिष्य थे ना, गीगर तथा मार्स्टन, इनके दो शिष्य थे जिन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, और इससे इस बात का पता लगाने का कोशिश किया कि परमाणु के अंदर का मामला कैसा है, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर के अंदर क्या है, तुम तोड़ दूं, इसको देखूं कि क्या है। ऐसे ही उन लोगों ने सोचा कि आखिर परमाणु के अंदर क्या है, किस तरह का उस पर आवेश है। इन सब बातों को समझने के लिए हमारे रदरफोर्ड साहब ने प्रयास किया और उसको फलीभूत किया, सहयोग किया गीगर और मार्स्टन। तो ये लोग भी काफ़ी हद तक काम किए, लेकिन चूंकि ये तो सर थे, इसलिए क्रेडिट इन्हीं को जाता है। तो 1921 में हुआ क्या, एक लेड ब्लॉक लिया गया, वहाँ पर एक रेडियो एक्टिव तत्व को रखा गया। रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा किरणें निकल रही थी और बीच में यहाँ पर धातु की पन्नी, और यह धातु कौन सा था, गोल्ड का था और इसका साइज लगभग 0.0004 सेंटीमीटर था। कितना था दोस्तों, 0.004 सेंटीमीटर था। आप सोच सकते हो धातु की पन्नी बहुत ही क्या थी, बहुत ही पतली थी। धातु की बहुत पतली पन्नी जिसकी मोटाई 0.004 सेंटीमीटर थी, बहुत ही पतली पन्नी लिया गया। अच्छा, धातु हमारा जो गोल्ड है उसी को हम पीट पीट के सबसे ज़्यादा पतला कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पतला करने से फ़ायदा क्या होगा, कि इधर से अल्फा कीड़े आएंगे तो इसको इस पर टकराएंगे, मतलब परमाणुओं से टकराएंगे, है ना, क्योंकि मतलब गोल्ड किसका बना है, गोल्ड भी तो परमाणु का ही बना है। तो इस पर आएंगी, इस पर टकराएंगी, प्रभाव डालेंगी और हमको ये पता चल सकेगा कि यह किसका बना हुआ है। कब पता चलेगा, जब यह आके इस पर टकराएंगी और यह पतला रहेगा तो इसके आर पार निकल जाएंगी, मतलब इस पर ज़्यादा प्रभाव डालेंगी और हमको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जब पतला रहेगा। तो इसीलिए धातु की पतली पन्नी जो लिया गया वो किसका लिया गया, गोल्ड का लिया गया। उसका डायमेंशन कितना था, 0.0004 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकले और इस धातु की पन्नी पर क्या किया, टकराया। धातु को पन्नी पर टकराने के बाद दोस्तों अधिकतर अल्फा पार्टिकल सीधी रेखा में निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, इधर उधर थोड़ा सा विचलित हो गए, और कुछ एकाध दो क्या हो गए, इधर आ गए, और इनमें से एक दो अल्फा पार्टिकल ठीक 180 डिग्री पर क्या हो गए दोस्तों, 180 डिग्री पर वापस आ गए। कुछ तो क्या आ गए, 90 डिग्री पर वापस आ गए, कुछ बगैर एंगल बनाए, जीरो डिग्री सेल्सियस पर क्या हो गए, सीधे निकल गए। फिर से सुनिएगा कि इन्होंने इस तरीके से सेटअप बनाया हमारे गीगर मास्टर ने सर रदरफोर्ड के प्रेक्षण में, या कह सकते हैं उनके देखरेख में। इन्होंने लेट का ब्लॉक लिया, उसमें रेडियो एक्टिव तत्व को रखा और यहाँ से अल्फा किरणें निकल रही थी। अल्फा किरणों को निकलने के लिए
जाने के लिए इन्होंने एक सीट बनाया ताकि बीम जो है वो पतली होके जाए, तो लेजर लाइट की तरह शार्प होके जाए, लेजर लाइट की तरह शार्प होके जाए, तो शार्प होके जाएगा बीम। तो इसको बीच में क्या कर दिया, सोने की पन्नी को रख दिया। सोने की पन्नी को क्यों लिया, क्योंकि इसको पीट पीट के बहुत ज़्यादा पतला किया जा सकता है और डायरेक्ट वो जो है उसके परमाणुओं पर हमला होगा, इसलिए अब यहाँ पर पतली पन्नी को रख दिया और इसके बगल में एक परत लगा दी, फोटोग्राफिक फिल्म जो जेडेनस की परत थी, फोटोग्राफिक फिल्म जो कि जेडेनस की परत थी। तो ये तो दोस्तों प्रयोगिक व्यवस्था हो गई, सेटअप हो गया। अब हुआ क्या, जो उन्होंने देखा वह देखा कि बहुत ज़्यादा मतलब 90% अल्फा किरणें क्या हो जा रही हैं, क्या हो जा रही हैं, इस धातु की पतली पन्नी को बेध कर बाहर चली जा रही, उस बगल चली जा रही, मतलब सीधी रेखा में निकल जा रही है। तो पहला उनका परीक्षण क्या था, पहला उनका परीक्षण था दोस्तों अधिकतर कीड़े सीधी रेखा में निकल जा रही है, ठीक, पहला था। दूसरा था कुछ कोण पर विक्षेपित हो जा रही है ना। अच्छा, इनका जो जितना भी पॉइंट्स है यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा है ना, इसको मैंने ऐड कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि इनके पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट क्या है, अधिकतर किरणें क्या हो रही हैं, सीधी रेखा में निकल जा रही हैं। कुछ किरणें कुछ एंगल पर मुड़ जा रही हैं, कुछ किरणें 90 डिग्री एंगल पर मुड़ जा रही हैं, और कुछ किरणें जो है वो बहुत ही कम किरणें, मतलब बहुत ही कम किरणें का मतलब 20,000 में से एक या दो, 20,000 में से एक या दो किरणें ऐसी हैं जो क्या हो रही हैं दोस्तों, दो जो क्या हो रही हैं, वह 20,000 में एक या दो वे किरणें क्या हो जा रही हैं, वे ठीक उसी दिशा में वापस आ जा रही हैं जिस दिशा से वो जा रही हैं। तो इन सब के अध्ययन के बाद हमारे रदरफोर्ड साहब ने यह कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला, बात बताई कि परमाणु का, धातु की पतली पन्नी, सोने की पन्नी तो परमाणु है, तो कहा परमाणु का अधिकतर भाग खोखला है, कुछ भी नहीं है। परमाणु का अधिकतर भाग क्या है, खोखला है, और बहुत ही सूक्ष्म भाग, बहुत ही क्या सूक्ष्म भाग क्या है दोस्तों, ये देखो धनावेशित है, जिससे ये वाली किरण लड़के क्या हो गई, इसी दिशा में वापस आ गई। बहुत ही सूक्ष्म भाग क्या है, धनावेशित है, जिसे इन्होंने साहब क्या दिया, नाभिक नाम दिया, जिसे इन्होंने क्या कहा, नाभिक नाम दिया। बहुत ही सूक्ष्म भाग जो कि मैंने यहाँ बनाया आपको दिख रहा होगा, बहुत ही सूक्ष्म भाग धनावेशित है, जिन्होंने क्या कहा, नाभिक का। तो इनका कहना था कि जो हमारे टॉमसन साहब ने कहा था कि पूरा का पूरा अधिकतर भाग धनावेशित भाग है, तो इस स्थिति में मैं धनावेशित किरणें अल्फा किरणों को भेज रहा हूँ तो सारी किरणें तितर बितर हो जाती, या सारी किरणें जाके टकराती पॉजिटिव के बीच, क्या होता है हमेशा आप जानते हैं रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच क्या होता है, आकर्षण। तो पॉजिटिव किरणें जाके टकराती और ये वापस आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमारा धातु का जो आंतरिक स्ट्रक्चर है वह ज़्यादातर क्या है, खोखला है, वो सीधी रेखा में निकल जा रहा है। बहुत ही सूक्ष्म भाग क्या है, धनावेशित है, इसीलिए ये धनावेशित किरण जा रही है, टकरा के उसी दिशा में वापस हो जा रही है, और यह 20,000 में से एक या दो ही किरणें हैं। और जो इनके पास से गुजर रहा है वो क्या हो रहा है, विक्षेपित हो जा रहा है, और जो इसके आसपास से गुजर वो भी विक्षेपित हो जा रहा है। तो यहाँ पर उनको जेडेनस की परत पर चमक देखने को मिली, उस चमक के आधार पर ही कंक्लूजन ये सब निकाल रहे हैं। तो उनका कहना था, जो निष्कर्ष था, कि धातु का अधिकतर भाग खोखला है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु का बहुत ही सूक्ष्म भाग क्या है, धनावेशित है, जिन्हें उन्होंने क्या कहा, नाभिक कहा। इन्होंने नाभिक को इस तरीके से समझाने की कोशिश किया, का मैदान है, उसमें रखी हुई एक छोटी सी गेंद, वही क्या है, हमारा नाभिक है,
ना, जैसे आपने क्रिकेट का मैदान देखा होगा, फुटबॉल का मैदान देखा होगा, बीचों बीच ले जाके एक छोटा सा गेंद रख दीजिए, इतना छोटा सा गेंद रख दीजिए, वही क्या है दोस्तों, नाभिक है। नाभिक बहुत ही अत्यंत क्या है, छोटा है। नाभिक क्या है, अत्यंत छोटा है, कठोर है, धनावेशित है। अत्यंत छोटा है, कठोर है, धनावेशित है। इन सब जो बात निकल कर आई वो इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से निकल कर आई, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से निकल के आई। तो कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग है ना, मतलब नाभिक की खोज, नाभिक की खोज। तो नाभिक की खोज किसने किया, रदरफोर्ड साहब ने किया अपने दो शिष्यों की सहायता से। इस तरीके से सेटअप लगाया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल गया, इस तरीके से वो फैल गया। जो फैल गया इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला कि हमारा जो नाभिक है वो अत्यंत छोटा है, कठोर है और बोलो धनावेशित है। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, नाभिक का हमने नहीं, हमारे रदरफोर्ड साहब और उनके दो शिष्यों ने कर दिया, हमने तो आपको बता दिया। अब भी जान जाओ कि ओवरऑल जो बड़ा सा बिंदु सा क्या है, नाभिक है जो धनावेशित है, इसके अगल बगल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।